अस्सलाम वालेकुम। अरे हशमती लंगर खा रहे हो ऐसे जवाब दोगे? वालेकुम सलाम। नारे तकबीर, ललकार गए हशमती लंगर में रज्वी तेल पड़ा हुआ। और तेल के अंदर बरकाती मसाला पड़ा। वाह वाह। अब इन मसालों के खाने के बाद भी अगर कोई सुला कुल्ली बन जाए तो बन जाए, हमें पकड़ना नहीं है। वाह वाह वाह। अब इसके बाद भी अगर कोई वहाबियों से मिले, देवबंदियों से मिले जाए, वो शेरे सुन्नत थे जो खींच कर ले आए थे। वाह वाह वाह। वो हुजूर मुफ्ती आजम ही थे। वाह। वो ताजु शरिया थे। वाह वाह वाह। वो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत थे। वाह 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 वाह। जिन्होंने आपके गांव गांव जाकर आपके अकीदे की हिफाजत करी। बेशक बेशक बेशक। उनकी तालीमात को देखने के बाद, उनकी फिक्र उनकी सोच को देखने के बाद, अब अगर किसी को मरना है तो मर जाए। मर जाए। नारे तकबीर, तालीमात हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ये मेला नहीं है। वाह 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 वाह। मेला नहीं है। शाहजहांपुर के हमारे सब लोग बैठे ना, ये मेला नहीं है। ये मसलके आला हजरत का रेला है। वाह 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 वाह। ये और खानकाहों की तरह यहाँ पर मेला नहीं लगता। जी जी जी। यहाँ पर आला हजरत का रेला। वाह वाह वाह। तो इस रेले के अंदर जिसे सवार होना है तो सवार हो जाए और सीधे खुद का रास्ता पकड़ ले। वाह 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 वाह। सीधी सड़क ये शहर नारे तकबीर, शहजादे मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। वाह वाह वाह। मुसीबत में जब भी सोचा रजा तुझको आवाज दूं। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मुसीबत में जब भी सोचा रजा तुझको आवाज दूं, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। ये उर्से हशमती है, बहुत संभाल कर आना, बहुत सोच कर आना। यहाँ पर न अपना देखा जाता, न पराया देखा जाता, न हशमती देखा जाता, न मुशाहिदी देखा जाता। देखा जाता है तो मसलके आला हजरत है कि आला हजरत वाला है कि नहीं, आला हजरत वाला है कि नहीं, किसी भी सिलसिले का है वो हमारे सर का था। वाह 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 वाह। आला हजरत खाली अपनी खानका नहीं, सारे सलासिल की खानकाओं को बचाया। बेशक बेशक बेशक। जाते पाक का नाम आला। बेशक बेशक। तो यहाँ पर जरा सा भी टकमगाओगे तो आला हजरत के मसलक की बेड़िया बशकले शरीयते मुताहिरा तुम्हारा दामन पकड़ ले। बख्शेंगे नहीं, चाहे कितना ही बड़ा शायर क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा मौलाना क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो, कितना बड़ा मुफक्किर क्यों ना हो, अगर आला हजरत की रेलगाड़ी से हटोगे तो नीचे जाके पिस जाओगे। आला हजरत की गाड़ी में बैठे रहोगे तो आला हजरत की गाड़ी में बैठोगे तो आला हजरत तुमको अजमेर शरीफ। किसी के नाम पर कोई टेम्पो चलता हो आला हजरत एक्सप्रेस। क्या बात है। बहुत अजमेरे मोहल्ला। वाह बाबा। ये असद भाई देखिए,
करम मदीने वाले का कि बरेली शरीफ से अजमेर मुअल्लक की पहल क्यों? अरे बरेली से लखनऊ चली जाती, बरेली से बॉम्बे चली जाती पहली ट्रेन, नहीं पहले अजमेर शरीफ। क्यों? अजमेर तुम ही हो बादशाह हिंद रहमत हो करीम, मेरे अजमेरी ख्वाजा ऐ मोइन और रहनुमा। वाह 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 वाह। अब यहाँ पर एक फिक्र दे रहा हूँ, एक सोच दे रहा हूँ, एक नुक्ता दे रहा हूँ। जब भारत में गरीब नवाज आए अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर तय करा तो 90 लाख मुसलमान बना दिए। वाह वाह वाह, बेशक बना दिए, इस्लाम के परचम को लहरा दिया। तो गरीब नवाज अपनी निगाह विलायत से देख रहे थे, मैंने फैला तो दिया, अब इसको बचाएगा कौन? वाह 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 वाह, अब इसको बचाएगा कौन? वाह। तो बचाने वाला हम सब का राजा। वाह वाह वाह। गरीब नवाज ने कहा अगर मेरे पास आना है तो पहले रजा एक समझ में आ, ये राज है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर साहिब ए सज्जादा। वो रजा के नेजे की मार है, वाह वाह वाह, सीने में खार है, किसे चारा चोई का वार है, ये वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हस्मती व मुशाहिदी। वाह वाह वाह। शोराए इकराम का इस्तेहाम जब मैं गफीर, ये रोटी बोटी खाने नहीं आता, वाह वाह वाह, ये आला हजरत का मिशन लेने के लिए आता। बेशक बेशक बेशक। ताके पीली भीत की जब मोहर लग गई, उसे हस्मती में मोहर लग गई जिस शायद के ऊपर, वो पूरे हिंदुस्तान में उसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं सुन रही हूँ, कि मैं रजवी हूँ, जबर खाती हूँ या हस्मती हूँ। पीली भीत आने के बाद अब किसी और की मोहर की जरूरत नहीं, ये सदका है मेरे आला हजरत। वाह 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 वाह। समझ में आया? तो सोच समझ कर पीलीभीत में आना, ये रजा के शेर की नगरी है। यहाँ पर रियायत नहीं करी जाएगी, यहाँ पर शायरों का रदीफ काफिया नहीं देखा जाता, देखा जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो और होंगे जिसे अपने पैसे पे नाज होगा, जिसे अपने मुरीदों पे नाज होगा, जिसे अपनी ताकत पे नाज होगा, और हमें नाज है तो आला हजरत की चौखट। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। बहुत से लोगों ने चाहा पीलीभीत को बरेली से लड़ा दे, पीलीभीत को बरेली से लड़ा था। जी जी। और अपनी कोशिशें नाकाम तो आप अच्छा क्यों लड़ा दे? समझ में आया? तो ये हर दौर से आस्ताने हस्मतिया के लिए साजिशें रची गई, मगर वो और होंगे ये भी कोई कमजोर आदमी को गिराना नहीं चाहता, कोई कमजोर। मौलाना इरफानुल हक साहब, आप तो माशाल्लाह दोनों तरफ यानी के दुनियावी रहनुमाई भी कर रहे हैं और माशाल्लाह दीनी रुमाई रहनुमाई तो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत से मिलती है। तो ये कोई कमजोर को गिरा के नहीं, ताकतवर, यानी तुमने खानकाह
हशमतिया को ताकतवर तस्लीम कर लिया। समझ में आया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत जो मिली है ये बरेली से मिली। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमक हराम नहीं है, नमक हराम नहीं है, जिसका खाए उसी की थाली में छेद करे। और मौलाना आमिर साहब आला हजरत में अपने सारी खुलफाओं की जमात में जो सबसे अहम जिम्मेदारी थी, हॉस्पिटल में हर डॉक्टर होता है, नशे वाला भी होता है, ब्लड प्रेशर का अलग डॉक्टर होता है, डायबिटीज का अलग होता है, और सबसे अहम जो डॉक्टर होता है वो चीरा फाड़ी करने वाला। जी 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 हजरत भाई, चीरा फाड़ी जो करता है उसका हुनर होता है, कहीं गलत छुरी ना चल जाए, गलत डिसीजन में कहीं आला ना चला जाए। तो लिहाजा आला हजरत ने अपनी सारी खुलफा की जमात ने अगर पोस्ट मास्टर की जिम्मेदारी दी है तो अपने रूहानी फरजन सरकार शेर देश सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा जिंदाबाद जी। मेरे तर्जुमे की हिफाजत करोगे तुम, मेरी किताबों की हिफाजत करोगे तो, और मेरा रूहानी बेटा पोस्ट मास्टर करके अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा कोर्ट में। जब तक मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं होती, सुन लो, अपनी ना समझोगे तो कब समझोगे। कोर्ट के अंदर चार्जशीट के अंदर जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं होगी केस की कोई माने नहीं, केस की कोई माने नहीं। ऐसे ही आप ये खान कहे हशमतिया मेडिकल रिपोर्ट लगाती है। है 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं तुम्हारी पेश हो जाएगी तब तक तुम अपने आप को केस साबित नहीं करोगे। लिहाजा ये उर्से हशमती का दूसरा दिन बशकले मुशायरा, पहला कलका पर परचम कुशाई हो चुका, आज ये दूसरा दिन ऑल इंडिया तरही मुशायरा ना तो मनकबत, ये आप उसमें बैठे हुए। हम तमाम शोरा हजरात से गुजारिश करेंगे मौतबाना कोई भी खिलाफे शरा शेर नहीं पड़ा जाएगा। जिंदाबाद। हम आपका रजीब काफिया नहीं देखेंगे, हम आपके जबान से मसलके आला हजरत की बोली सुनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप 100% अपने आप को साबित करेंगे और मेंबर पर किसी तरीके की किसी भी शायर के ऊपर अनछड़बाजी बर्दाश्त होगी। ये सब मेरे मेहमान हैं, चाहे दो शेर पढ़े चाहे कैसे, आप सब मेरे मेहमान हैं, मेरे हजरत के मेहमान हैं, मेरे हजरत की मोहब्बतों में आपने हजारों किलोमीटर की सफर और सोबतें बर्दाश्त करके आप आए हैं कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक एक बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को एक एक शायर की मोहताज होती है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शायरों की मोहताज नहीं वक्त कम पड़ जाता है। तो लिहाजा और अभी आपने, मैं उससे नहीं, मैं कहना चाहता हूं, एक फिक्र देना चाहता हूं, मुखालिफी चाहे कुछ कहे, आज इस माहौल के अंदर जब आपके वोट की जरूरत नहीं, आपकी सपोर्ट को जरूरत नहीं, मगर आपके इस मर्दे मुजाहिद की बारगाह में, इस आला हजरत के रूहानी फरजंद की बारगाह में एक मिसाल पेश करी गई, और ये भी गरीब नवाज की बारगाह। मैं तैतीस नेमत के लिए किसी खानकाह की तौहीन नहीं, मगर
अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर चादर जाती है तो बारगाह गरीब नवाज में जाती है। और आज पहली मरतबा अगर तू हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब की अगर चादर आई है तो इस मर्दे पर जाई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद है जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हशमती व मुशाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर बुरहाने मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके ऑफिस में बैठने के बाद जब सरकार शेर बेशे सुन्नत की लीग के मुतालिक सारी किताबें पेश करी गई, सारे हवालात पेश करे गए, सारे नुक्ते पेश करे गए, शेर बेशे सुन्नत ने मेरे ग्रैंड फादर ने हिंदुस्तान के लिए क्या कुर्बानी पेश करी। वाह वाह वाह। तो देखने के बाद सुनने के बाद एक जुमला कहा कि मौलाना सरताब रजा, मौलाना हशमत अली साहब की जात पर जो काम होना चाहिए वो अब तक काम नहीं हुआ। दुनिया तक उनके इस कारा है नुमाया को कोई भूल नहीं सकता। मैं अपनी जो स्पीच दे रहा हूँ मैं उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। लिहाजा ये उस मर्द मुजाहिद का आस्थाना है जहाँ पर अपने तो अपने हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री भी अपने नजराने की अकीदत की चादर पेश कर। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी पहल करी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी उन्होंने कहा कि मैं अगर अमेरिका नहीं जाता तो इस बार मैं उर्से हशमती में आता। तो लिहाजा ये किसी सुलाकुल्ली मौलवी की खान का मोहताज नहीं है। मेरे वालिद ने मेरे मुर्शिद ने तुझे कह दिया था अगर कोई ना मिले हक पसंद तो बेटा अपने आप फाता पढ़ लेना। हम उसके नहीं कि हमारा प्रोग्राम हो या हमारी वो हो, नहीं, हमें तो मसलके आला हजरत का जान पिलाना। साल भर आपकी बैटरी को यहाँ से चार्ज करके भेजना कि तुम अपनी बैटरी चार्ज कर लो और फिर चले जाओ यहाँ से। सर पे हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाहे कज है उसी पाक पन के साथ। इधर आ प्यारे हुनर आजमा तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। ये वो खानका है, ये वो जगह है जहां पर ताजु शरिया तशरीफ लाए, ये वो जगह है जहां मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए, ये वो जगह है जहां पुराने मिल्लत तशरीफ लाए, ये वो जगह है जहां मुजाहिद मिल्लत ने अपने कदम रंजा फरमाए। समझ में आया? हमें किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत है बस आला हजरत के शहजादों। समझ में आया? कैसे आकाओं का बनता हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते 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 और तुम सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए। अहमद रजा की शम्मा फरोजा बड़े बड़े लोगों के, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के चिराग बुझ गए। लोग चले हैं आला हजरत से लड़े, आला हजरत के मसलक की मुखालफत। समझ में आया? सूरज को चांद को रोशनी दिखाने की जरूरत, आसमान पे थूका हुआ गिरवान में आएगा। समझ में आया? आला हजरत बस ये आला हजरत का मसलक, आला हजरत के हमें बस उन शहजादों की जो आला हजरत के मसलक पर है उनकी जूतियां हमारे सरों की ताज बेशक। और यहाँ पर परवा नहीं गई। बस मैं अपनी बात को खत्म करते हुए शोरा हजरत अपनी बिरादरी का ख्याल करते हैं,
मैंने असद भाई से कहा भाई कुछ अपनी बिरादरी की बुराई अपने सर भी ले। भाई किसे कब पढ़वाना है, किसे कब पढ़वाना है, मैंने जिम्मेदारी इनको दी। तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले, संभलता नहीं हमारे संभाले, तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। समझ में आया? अब आप जानिए और आपका काम, अपना जो कहना था कह दिया। बड़े अच्छे अच्छे शोरा, कुछ शोरा तो ऐसे जो दरबारी, अब तो सभी दरबारी हो गए। समझ में आया? अब सभी लोग हमारे बुजुर्ग भी शायर हैं, दिलकश बुकारू साहब जरे बहुत जमाने से आते चले आए हैं, और दीगर हैं हमारे हाफिज इसरार साहब और दीगर हमारी टीम जो मौजूद है पीलीभीत के। मैं तमाम ही अहबाब का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने मुआफिनीन हजरात का, अहले मोहल्ला का मैं शुक्रगुजार हूं कि अपने शहर में बाहर से आने वाले मेहमानों की आप तवाज़ो कर रहे हैं, उनको ठहरा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और जिला प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऐसे मर्द मुजाहिद के उर्स का इंतजाम बहुत ने खूबी अंजाम दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और आइंदे भी ऐसे निभाते रहेंगे। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। तकरीर सुनना है, आपको कुछ पैगाम लेना है, इंशाल्लाह बहुत मसाला है, बहुत मटेरियल है, एक से एक मिसाइल आपको कल भी मिलेगा और एक से एक आइटम बम परसों भी मिलेगा। आप लोग आते रहिए और अपने इस मर्द मुजाहिद की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते रहिए। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोरों को पहचान लो, ईमान बचा लो। अस्सलाम वालेकुम।